हम लोग प्राणायाम करते करते एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, सुन लेना ठीक से। माइकल जॉर्डन का नाम सुने हैं क्या? माइकल जैक्सन का नाम। माइकल जॉर्डन गॉड ऑफ बास्केटबॉल, गॉड ऑफ बास्केटबॉल, नेट में सर्च कर लेना माइकल जॉर्डन, ठीक है। सर्व जिंदा है तो पहले उसको थोड़ा सा जो बचपन का जो कहानी है वो कैसा था थोड़ा बताता हूँ, ठीक से ध्यानपूर्वक सुनना। माइकल जॉर्डन का फैमिली में वो लोग तीन भाई थे, तीन भाई। रूम बहुत ही छोटा था, तो छोटा में मतलब जो जब उसका उम्र बहुत ही छोटा, 10 साल का है, 10 साल का बच्चा, तो उसका पिताजी एक दिन उसको बुलाया, रूम में बुलाया, बोला माइकल इधर आओ। तो बोला जी पिताजी, करके खड़ा हो गया। तो एक वो टी शर्ट पहना था, बोले टी शर्ट कितना का है? बोला $1। बोला ऐसा करो इसको $2 में बेच का। बोले इसको $2 में बेच के आओ, आपका पिताजी आपको बोलेगा जो जो शर्ट पहना हो और उसको बोलेगा बेच के आओ, तो तुम्हारा दिमाग में क्या चलेगा? अरे भाई मेरे पास तो इतना शर्ट है, मैं क्यों जाएंगे इसको बेचने के लिए, ठीक है। ऐसे दिमाग में चलता है, हम लोग का दिमाग ऐसे चलता है जो क्यों जाएंगे मैं बेचने के लिए। जैसे वो बोला, वो कभी ना नहीं बोलता है कोई बात में, कभी ना नहीं बोलता है कोई बात में। जैसे बोला है, बोला जी पिताजी, तो जाके वो सोचने लग गया काम कैसे करेंगे। उसको टास्क दिया है, काम को कंप्लीट करना है, काम कैसे करने, रूम में जाके सोच रहा है। तो सोचते सोचते वो जो टी शर्ट पहना था उसको साफा किया, आयरन कर लिया, करके उसको चला गया मार्केट में बेचने के लिए। सुबह से शाम हो गया, 8 घंटा का मेहनत के बाद रेल स्टेशन के पास में एक आदमी उसको खरीद लिया। टी शर्ट करके वो इधर उधर बोलने लगा, तो रेल स्टेशन का सामने एक आदमी उसको खरीद लिया $2 में। बोला एक बच्चा है चिल्ला रहा है बहुत देर से, ठीक है खरीद लेता हूँ, $2 में उसको ले लिया, ठीक है। तो ले आके वो पिताजी को $2 दे दिया। तो ऐसे ही करते हुए एक हफ्ता तक बीत गया। फिर उसका पिताजी बुलाया, बोला माइकल इधर आओ। बोला अभी जो टी शर्ट पहने हो इसका क्या कितना रेट है? बोला वही $1। थोड़ी उसके पास तो ज़्यादा पैसा नहीं था। बोला $1 का टी शर्ट पहना है। बोला ऐसे करो इसको $20 में बेच। बोला इसको $20 में बेच का। तो वो क्या दूसरे रूम में जाके सोचने लग गया कैसे बेचेंगे, दिमाग को चला रहे, कभी क्या बोल रहे ना नहीं बोल रहे। हम लोग क्या बोलते हैं कैसे होगा करके, तुरंत एकदम ये हो जाता हूँ, माइंड को क्या दे रहा हूँ कैसे होगा, उसका रास्ता पूछ रहा है माइंड को। सॉल्यूशन किधर रहता है? कोई भी जो इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, इधर रहता है सॉल्यूशन, तो उसको पूछ रहा है जो कैसे भाई होगा। तो जैसे ही पूछा तो उसको दिमाग में आया जे चलो इसको आयरन करता हूँ और उसमें मिकी माउस का स्टिकर चिपका देता हूँ। तो मिकी माउस का स्टिकर वो टी शर्ट में चिपका दिया और अभी चला गया उसको बेचने के लिए। जो स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, उसका गेट का सामने, जिसका बहुत बड़ा बड़ा जो आदमी है उसका लड़का जिधर पढ़ाई करता है उसका गेट का सामने, और स्कूल छुट्टी होने का टाइम था उस टाइम, मिकी माउस टी शर्ट $20 करके चिल्ला रहे। तो एक बच्चा ने देख लिया, उसको जिद पकड़ लिया जो मेरे को टी शर्ट लेना है, और उसका पिताजी उसको टी शर्ट तो दिला दिया, वो $20 ले आके पिताजी को दे दिया, ठीक है कहानी पता चल रहा है। तो पिताजी खुश हुआ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही 10 दिन तक चला गया। नेक्स्ट डे फिर 10 दिन बाद फिर बुलाया, बोला माइकल इधर आओ। बोला जी पिताजी, करके खड़ा हो गया। बोला जो टी शर्ट पहने वो कितना का है? बोला $1। बोला ऐसे करो इसको $2000 में भेज दो। और बोला जी पिताजी, करके चला गया साइड वाला रूम में जाके। 75,000। तो साइड वाला रूम में जाके उसको
सोचने लग गया कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। बहुत सोचने के बाद, बहुत देर तक सोचने के बाद, उसको एक साइड में पेपर पड़ा था, उसका डेली न्यूज़ आता था न्यूज़पेपर, और उसमें लिखा है उधर का जो सबसे बड़ा एक्ट्रेस, वो साइड वाला उसका जो जो सिटी में रहता है, वो साइड सिटी में, जैसे हम लोग बॉडबिल रहता हूँ तो केंद्र में आज उसका प्रोग्राम। तो क्या किया तुरंत, तो टी शर्ट को आयरन करके एकदम पैकिंग करते हुए चला गया वो प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में तो अलाउ नहीं था क्योंकि हाई पेड प्रोग्राम था, बच्चे लोग कैसे घुसेगा, उसके पास तो पैसा नहीं है। तो ऐसे ही उसका पुलिस बैरिकेड था, वो जैसे देख रहा है प्रोग्राम करके जब निकाल के आ रहा है, तो उस टाइम बैरिकेड को तोड़ के जैसे तैसे भी, वो छोटा बच्चा है घुस गया अंदर में और उसका सामने जाके खड़ा हो गया, जी आपका ऑटोग्राफ दे दीजिए मेरा टी शर्ट। तो जैसे ही बोला, बोला देखा बच्चा है एकदम, इसमें ऐसे बोल रहा मेरा ऑटोग्राफ दे दीजिए, आपका ऑटोग्राफ मेरे को चाहिए। तो जैसे ही ऑटोग्राफ दे दिया, वो क्या किया टी शर्ट को ले आके बाहर में एक तो स्टॉल टाइप का लगा दिया और उसमें मेरा बोल दिया कि देखो इसका ऑटोग्राफ का टी शर्ट मैं $20,000 में, सॉरी $2,000 में बेचना चाहूँ। तो ऐसे वो 2,000 नहीं बोला, तो उसको जैसे ही इसको बेचना चाहेंगे बोला, तो उसका बार्गेनिंग शुरू हो गया। कोई बोल रहा है मैं $200 में लेंगे, कोई बोल रहा है $500 में लेंगे, ऐसे करते करते बार्गेनिंग होते होते 2,000 से ऊपर उसका रेट चला गया। और उसको जैसे 2,000 से ऊपर गया तो तुरंत टी शर्ट उसको दे दिया, पैसा ले आके उसका पिताजी को दे दिया। जैसे ही पैसा पिताजी को दिया, पिताजी रोने लग गया, रोने लग गया, बोला बेटा तुम्हारा फ्यूचर के लिए मेरा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुम कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। और उसका नाम है माइकल जॉर्डन, उसको बोला जाता है गॉड ऑफ बास्केटबॉल, उसका नाम है, उसका टाइटल में लिखा जाता है गॉड ऑफ बास्केटबॉल, नेट में सर्च करना गॉड ऑफ बास्केटबॉल तो उसका नाम आएगा। तो उसका छोटा जब बच्चा था उसका वो कहानी था। अभी है आप लोग को टास्क दिया गया था 3 दिन के अंदर कोई दोस्त को दिन नहीं ये करने के लिए, किसी का हुआ क्या दोस्त बनाने के लिए? नहीं हुआ, 3 दिन में नहीं दोस्त बनाना। तो उसको किसके साथ मालूम, जिसको आप वो साथ खाना है जानते नहीं उसको, तो ठीक है। तो 3 दिन के अंदर घटना है काफी भी, अरे उसको अभी बोलना नहीं है, मैं बोल देंगे जो करना है, जो नहीं आया उसको साइड करना है, वो तो डेली नहीं आता है, उसको बोल क्यों रहा है, जो डेली नहीं आएगा उसको बता नहीं जाएगा क्या कब पिछला क्लास में क्या हुआ था, उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है। जो नहीं आया वो उस दिन का टाइम मिस कर दिया, जो टाइम मिस कर दिया वो टाइम कभी वापस नहीं आता है, तो क्लास रिपीट नहीं होता इधर, वो गलत सोच रहा है, कभी भी वो रिपीट नहीं होगा और उसको बताया भी नहीं जाएगा, वो पीछे जाएगा धीरे धीरे, वो पीछे होता रहेगा, जो डेली आएगा उसको डेली मिलेगा। उसको एक स्कूल का पढ़ाई नहीं हो रहा है, जो उसको फिर रिपीट होगा उसको फिर बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो चीज बता रहा हूँ, जो कहानी अभी बताया वो किस लिए बताया, जब काल में बता रहा था पहले से दिमाग में चल रहा था कैसे होगा क्या करेंगे, अरे मेरे को तो सब दोस्त पता है। कभी भी जो चीज़ बता रहा हूँ वो कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है, उसको दिमाग में सोचना है वो टास्क को कैसे कंप्लीट करेंगे, वो टाफ है ना इजी है उससे मतलब नहीं, टास्क कंप्लीट करना है उससे मतलब है, वो छोटा बच्चा है ना बड़ा है उससे मतलब नहीं, टास्क को कंप्लीट करना है उससे मतलब है, छोटा हो बड़ा बड़ा हो उससे कुछ मतलब नहीं पड़ता है, सबके अंदर एनर्जी सेम है, कोई भी कर सकता है, वो तो दिमाग से ये निकालिए कि CBSE ICSE वो कुछ नहीं होता है, वो टैक्स इक्वल है तो आराम से कर पाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। अरे आदमी है रे भाई जो कर रहा है, वो थोड़ी बाहर से बाहर दुनिया से आया है क्या, तो क्यों नहीं कर पाएंगे। तो पहला ये दिमाग में रखिए, कोई भी बोर्ड का है, कोई भी टैलेंटेड है, मैं भी उसका इक्वल हूँ, मैं भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिमाग में सोचो कैसे करना है, कैसे करना है वो दिमाग में सोच लो, 3 दिन के अंदर दोस्त बनाना है, एकदम फिक्स कर लो दिमाग में कि बनाना ही है ही, उसका दूसरा कोई रास्ता मत सोचना जी नहीं मैं तो ऐसे ही कर लेंगे, थोड़ा जाके झूठ बोल देंगे, ऐसे कर लेंगे, कोशिश करो कैसे होगा, नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे, ऐसे जनरल कोई नहीं पूछेगा, पूछने वाला कोई नहीं है, बड़ा आदमी बनना है तो टास्क लेना पड़ेगा उसको कंप्लीट करना, जी नहीं मैं करेंगे उसको जैसे वो करेंगे, अरे बड़ा आदमी से कंसल्ट करो,
कोई बड़ा सबको तुम थोड़ी पहचानते हो, जो काम करता है उसको जाके पूछो भैया आपको तो मैं देखा हूँ लेकिन नाम पता नहीं, थोड़ा नाम बताइए ना, पूछो उसके साथ कन्वर्सेशन करवा रहे, कन्वर्सेशन तो करो कोई भी है, हो सकता है सुबह मॉर्निंग में नाम मालूम नहीं, बहुत कुछ है, सुबह मॉर्निंग में आता है उसको नाम पता नहीं है, वो तो अभी देखिए लड़के आता है उसके साथ बात ही नहीं किया कभी, लोग जाकर बात करो उसका नाम क्या है ये क्या है, तो क्या है कोई भी अनजान आदमी से बात करने के लिए कोशिश करो, कौन क्या सोच रहा है उससे मतलब नहीं, तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस से मतलब है, दूसरा क्या सोच रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरा क्या सोच रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या बोल रहा हूँ और जो मॉर्निंग वॉक कर रहा है वो क्या सोच रहा है उससे मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला, वो थोड़ी कुछ मेरे को कर देगा ना, मेरे को बहुत कुछ दे देगा आके, कुछ पैसा दे देगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ ऐसे होगा बीच बीच में वो मुस्कुराते हुए चला जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना लर्न करेंगे, प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर लर्न, मोर प्रैक्टिस मोर लर्न, मोर प्रैक्टिस मोर लर्न, नहीं तो सुनते रहोगे कुछ नहीं होगा, जो टास्क दिया गया उसको कंप्लीट करना है। चलो नेक्स्ट पटाने में आ जाता हूँ, टाइम पता नहीं चल रहा, जीवन प्राणायाम और दो बार रिपीट, एक बार और, उगनी सर किया वन टाइम, पेट को हिलाना है मैक्सिमम हिलाने के लिए कोशिश करो, नेक्स्ट आ जाते हैं उज्जाई पन है, गोला टाइट सांस लेना, दो बार रिपीट कर लेंगे इसको, एक बार और, next to program.